स्टडीबॉट AI चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले कुछ महीनों में AI रोबोट्स की डेवलपमेंट तेजी से बढ़ी है और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे अद्भुत चीजों के बारे में जिन्हें ज्यादा कवरेज नहीं मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ डिज्नी के AI रोबोट्स की, जिन्हें IROS कॉन्फ्रेंस में डिट्रॉइट में पेश किया गया। डिज्नी रिसर्च ने अपना नया क्रिएशन दिखाया और ये वाकई दिमाग हिला देने वाला है। ये छोटे बच्चे के आकार का रोबोट सिर्फ चलता ही नहीं बल्कि चलते हुए इमोशंस भी दिखाता है, जैसे कोई डिज्नी एनिमेशन असली जिंदगी में आ गया हो। लेकिन सबसे पहले, अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में खुद को अपडेट रखना चाहते हैं तो स्टडीबॉट AI चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिज्नी AI स्पेस में कुछ बड़े खिलाड़ियों से आगे नजर आ रहा है, खासकर एडवांस रोबोट्स बनाने में। डिज्नी का यह नया रोबोट एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है। यह पूरी तरह 3D प्रिंटेड है और इसे एक साल से भी कम समय में डेवलप किया गया है। उनकी डेवलपमेंट स्पीड का एक बड़ा कारण उनका अप्रोच है। वे ऑफ द शेल्फ और 3D प्रिंटेड पार्ट्स का उपयोग कर रहे हैं। इसका मतलब वे पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स की तुलना में पार्ट्स को जल्दी से ट्वीक, मॉडिफाई या रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है और उसका मैन्युफैक्चरिंग में क्या रोल है, तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उसके बारे में एक डिटेल वीडियो जरूर बनाएं। तो वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये मेथड टेक्नोलॉजी में और भी बहुत कुछ है। डिजाइन और टेस्टिंग फेज को तेजी से करने के लिए उन्होंने कंप्यूटर सिमुलेशन और रीइंफोर्समेंट लर्निंग मेथड का भी उपयोग किया। सिमुलेशन और रीइंफोर्समेंट लर्निंग की मदद से डिज्नी रिसर्च अपने रोबोट की AI को विभिन्न वास्तविक दुनिया के सिनारियों में आसानी से मूव करने की ट्रेनिंग दे सकते हैं, जैसे स्लिपरी या अनइवन टेरेन। रोबोट अपने मूवमेंट्स को ट्रेन और रिटेन कर सकता है, जैसे उसके मोटर्स कैसे काम करते हैं, उसका वजन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है या ये जमीन के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। डिज्नी रिसर्च के एसोसिएट साइंटिस्ट रूबन ग्रैंडिया ने बताया कि पारंपरिक रूप से इन मोशन ट्रांजिशंस को मैन्युअली प्रोग्राम करना पड़ता था, लेकिन उनके वर्तमान सिस्टम में हर संभावित सिनेरियो को सिम्युलेट करके और छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स करके रोबोट खुद से इन ट्रांजिशंस को सीखता है। ये एक तरह से रोबोट को उसके एक्सपीरियंस से सीखने और फिर रियल टाइम सिचुएशंस में उस नॉलेज को अप्लाई करने जैसा है। डिज्नी ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि क्या डिज्नी पार्क में गेस्ट को भविष्य में यह रोबोट देखने को मिलेगा या नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि वे इसे सिर्फ दिखाने के लिए डेवलप नहीं कर रहे हैं। डिज्नी के इस नए रोबोट की वजह से लोग यह महसूस करने लगे हैं कि अगर डिज्नी के रोबोटिक्स में AI को मिलाया जाए तो यह एडवांस्ड AI रोबोटिक्स की एक नई लहर ला सकता है। डिज्नी का नया रोबोट एक परफेक्ट ब्लेंड है जो बिना अपनी फंक्शनैलिटी को नुकसान पहुंचाए इमोशंस को प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट करता है। यह अप्रोच शायद रोबोटिक्स के भविष्य के लिए ब्लूप्रिंट हो सकता है, जहां रोबोट्स केवल टास्क परफॉर्म नहीं करेंगे बल्कि एक पर्सनल और इमोशनल लेवल पर हमारे साथ एंगेज भी होंगे। देखो, डिज्नी अपने थीम पार्क्स में दो तरह के रोबोट्स यूज करता है। सबसे पहले हमारे पास हैं एनिमेट्रॉनिक्स। अब एनिमेट्रॉनिक्स का यूज प्राइमरीली एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए होता है, खासकर थीम पार्क्स, मूवीज और टेलीविजन में। डिज्नी के नए ह्यूमनॉइड रोबोट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, जिससे वे डेटा प्रोसेस कर सकते हैं, अनुभव से सीख सकते हैं और नई सिचुएशंस के हिसाब से खुद को अडैप्ट कर सकते हैं। ये रोबोट्स अपने एनवायरनमेंट में चेंजेस को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और इन्हें अलग अलग टास्क के लिए ट्रेन या रिप्रोग्राम भी किया जा सकता है। एनिमेट्रॉनिक्स अक्सर अपनी कम्प्लेक्सिटी और डिजाइन की वजह से एस्थेटिकली काफी रियलिस्टिक दिखते हैं, लेकिन क्योंकि इन्हें असली क्रिएचर्स या कैरेक्टर्स की तरह दिखने और मूव करने के लिए डिजाइन किया जाता है, इसीलिए इनके इंटरनल मैकेनिज्म्स यूजुअली आसान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ, ये नए AI ह्यूमनॉइड रोबोट्स में स्टीपर लर्निंग और कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस की कैपेसिटी होती है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने इन रोबोट्स को इफेक्टिवली मूव करने में भी कामयाबी हासिल की है। अब एक और कंपनी है जिसे बहुत से लोग जानते हैं, जिसने अपने रोबोट को बहुत ही प्रभावी तरीके से मूव करने में कामयाबी हासिल की है, और वो कंपनी है बॉस्टन डायनामिक्स। आप देख सकते हैं कि बॉस्टन डायनामिक्स रोबोटिक्स इंडस्ट्री में वर्ल्ड रिनाउंड है। उनका एक मुख्य प्रोजेक्ट है एटलस, और जब हम एटलस की मूवमेंट कैपेबिलिटीज देखते हैं तो ये सच में इनसेन है। एटलस को सबसे पहले यूट्यूब पर शोकेस किया गया था, जहां इसने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कई अलग अलग स्टंट्स करके पूरी तरह से वायरल हो गया। एटलस के द्वारा सबसे पहले किए गए स्टंट्स में से एक था बर्फीले टेरेन पर चलने की क्षमता। उस वीडियो में, जिसे 40 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं, आप देख सकते हैं कि एटलस बहुत भारी पैकेजेस को उठा रहा है। आप ये भी देख सकते हैं कि जब लोग एनवायरनमेंट में ऑब्जेक्ट्स को मूव करते हैं तो एटलस कैसे रिएक्ट करता है। ये सब एटलस के निफ्टी प्रोग्रामिंग की वजह से संभव हो पाता है, जिससे वो जिस ऑब्जेक्ट को उठाने वाला था उसे रिलोकेट करके उठा लेता है।
डिज्नी के रोबोटिक्स रिसर्च फैसिलिटी में रिकॉर्ड किया गया एक पुराना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया गया था, जो यह साबित करता है कि डिज्नी काफी समय से रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। और फिर जूडी है, एक और डिज्नी रोबोट, जिसने हाल ही में डिज्नी कॉन्फ्रेंस में अपने एक्रोबैटिक फीट्स दिखाए। डिज्नी के पास पहले से ही एक स्पाइडरमैन रोबोट है जो उनके थीम पार्क में जंप्स करता है। यह देखने में काफी रोमांचक है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि एक एंटरटेनमेंट कंपनी के पास इतनी एडवांस्ड एआई और रोबोटिक्स डिवीजन है जो कुछ बड़े एआई कंपनियों के साथ कम्पीट कर रहा है। हाल के महीनों और वर्षों में हमने देखा है कि सभी कंपनियां रोबोटिक्स इंडस्ट्री में अपने हिस्से के लिए कोशिश कर रही हैं। भविष्य में रोबोटिक्स इंडस्ट्री की कीमत ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हो सकती है, इसलिए कंपनियां अब अपने फोकस को ह्यूमनॉइड रोबोट्स की ओर मोड़ रही हैं। कई कंपनियां अपने रोबोट डेवलपमेंट को विभिन्न तरीकों से ले रही हैं। कुछ इसे कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए उपयोग कर रही हैं, जबकि अन्य इसे एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए बना रही हैं। बॉस्टन डायनामिक्स इस फील्ड में काफी आगे है, लेकिन अगर हम कुछ साल आगे बढ़ें तो यह आश्चर्यजनक नहीं होगा अगर डिज्नी के पास सबसे एडवांस्ड रोबोट्स हों। कुछ कंपनियां जैसे टेस्ला ने पहले ही अपने रोबोट्स को कॉन्फ्रेंसेस में पेश किया है और उनके शुरुआती रिजल्ट्स काफी प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं। और भी कई कंपनियां हैं जो अपने ह्यूमनॉइड रोबोट्स को निकट भविष्य में रिलीज करने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन इन कंपनियों के सामने सबसे बड़ी समस्या है उनके ऑटोनोमस रिलायबिलिटी। अभी हर कंपनी रोबोटिक्स इंडस्ट्री की मार्केट लीडर बनने की दौड़ में है और यह इंडस्ट्री अभी भी बहुत नई है, इसलिए कुछ भी निश्चित रूप से भविष्यवाणी करना मुश्किल है। हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा कि रोबोट्स की दुनिया में चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। हमें नहीं पता कि यहां से चीजें कहां जाएंगी, लेकिन एक बात निश्चित है कि यह इंडस्ट्री तेजी से विकसित हो रही है। जैसे पिछले 20 वर्षों में मोबाइल फोन इंडस्ट्री में क्रांति आई थी, वैसे ही रोबोटिक्स इंडस्ट्री में भी क्रांति आएगी, जिसमें टेस्ला और डिज्नी जैसी कंपनियां इस इंडस्ट्री में कदम रख रही हैं। कौन जानता है कि अगले 20 वर्षों में हम कहां खड़े होंगे। अगर आप रोबोट और एआई टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको टेस्ला के नए रोबोट का ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। स्टडीबॉट एआई पर और भी रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।